हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो ये आदित्य रंजन सर जो रेलवे के लिए गणित निकाला है वो कितने तक जो है ये बुक जो है आपके लिए हेल्पफुल है, या फिर जो है ये कहाँ तक जो है हमारी तैयारी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो देखिए, ये बुक जो है काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये बुक जो बनाया गया है इन्हें काफ़ी मेहनत के बाद बनाया गया है, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा है। अब देखिए, ये रेलवे के लिए जो है एकदम रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो है एकदम लेवल वाइज क्वेश्चन जो है इसमें सेट किया गया है। जैसे कि सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को रखा गया है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, और अलग अलग टाइप वाइज है और एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ जो है इसमें क्वेश्चन को बताया गया है। जैसे कि आपका इसका नाम है रेलवे गणित, और ये आप जनरली दुकानदार में लीजिएगा तो ये करीब 300 के आसपास आएगा, और ऑनलाइन जो है अगर फर्स्ट टाइम यदि अमेज़न से मंगाते हैं अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके तो ये करीब 250 के आसपास आएगा। तो देखिए, ये रेलवे गणित नाम से है और ये हिंदी माध्यम में भी है, हालांकि अब इसका जो है इंग्लिश मीडियम भी आ गया है तो आप इंग्लिश मीडियम भी ले सकते हैं। और ये 2018 से अब तक RRB द्वारा पूछे गए सभी सवाल को इसमें रखा गया है, और ये बहुत अच्छा है। जो कि ये इसमें कितने क्वेश्चन है तो 4000 प्लस MCQs है, और चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, और ये सभी एग्जाम के लिए जैसे कि NTPC, RPF, SI, RPF, कांस्टेबल, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, RRB, JEE और अदर भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और इसमें टाइप वाइज दिया गया है। देखिए, अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसका जो है मतलब किस तरह से कवर, तो हम लोग देख ही लिए। अब ये जो है यहाँ पर देखिए, इसका यदि आप देखिएगा प्राइस कितना है तो प्राइस आपका करीब 395 दिखाता है। कितना लिखा हुआ है? 395, लेकिन ये आपको 250-300 के आसपास अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग तरह के प्राइस पे जो है ये मिल जाएगा। देखिए, अब ये इसका जो है इंडेक्स दिया गया है, जो कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, ये सारा दिया गया है। जैसे फर्स्ट टॉपिक जो है आपका प्रतिशत है, काफ़ी अच्छे से आपका जो है इसको हम इसका रिव्यू दिखाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं, मतलब पूरे स्पष्ट देख सकते हैं कि कैसा क्या है, कैसा क्वेश्चन दिया है, ये सारा चीज़। देखिए, टाइप वन में क्वेश्चन जो है ये 1 से 84 तक लिया गया है, और टाइप टू में देखिए 85 से 89 तक है, यानी क्वेश्चन की भी संख्या जो है काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। टाइप थ्री है, इसी तरह से टाइप 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये आंसर की यहाँ पर मिलेगा। फिर इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है? सॉल्यूशन मिलने वाला है। फिर यहाँ देखिए, लाभ और हानि का चैप्टर है दूसरा, फिर आपका बटा है, और फिर इधर देखिए ये आपका साधारण ब्याज है। एक भी जो है आपका चैप्टर नहीं छोड़ा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात और समानुपात है। फिर इधर जो है आपको आयु मिलेगा, और हर एक चैप्टर में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेगा। साझेदारी है, मिश्रण और एलिगेशन है, औसत है, समय और कार्य है, फिर इधर नल और टंकी है, और समय और दूरी, रेलगाड़ी, और फिर इधर नाव और धारा मिलेगा, फिर संख्या पद्धति, और फिर लॉस और मौसो और सरलीकरण, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा देखिए कि मतलब क्वेश्चन किस टाइप से दिया गया है, क्वेश्चन कैसा कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत का देखिए टाइप वन का क्वेश्चन दिया है, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको एकदम क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पूरे जो है ये आपका क्वेश्चन है ये, और ये टाइप कौन सा है तो ये टाइप वन है। कौन सा है? टाइप वन। फिर यहाँ देखिए, इस प्रकार से जो है आपको टोटल क्वेश्चन मिलने वाला है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा। देखिए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और सारा का सारा देखिए, ये कब का क्वेश्चन है तो ये NTPC CBT 2 का क्वेश्चन है, और कौन से शिफ्ट में पूछा गया था ये सारा चीज़ भी आपको जो है एकदम डिटेल में बताया जा रहा है। देखिए, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ जो है, अब परिणाम क्या होगा, ये इस टाइप से जो है ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। और भी देखिए, ये अब आपका है लाभ और हानि चैप्टर 2 है, जो कि इसका भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, एकदम टाइप वाइज मिलेगा, और सारा क्वेश्चन जो है कभी ना कभी पूछा गया है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन ये सारा है। देखिए, आंसर की जो है आपको इस टाइप से मिलेगा, और सॉल्यूशन जो है कुछ इस तरह से आपका ये मिश्रण और एलिगेशन का है। देखिए, कितना बेहतर तरीका से जो है आपका सॉल्यूशन, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा स्मार्ट अप्रोच, यानी स्मार्ट अप्रोच जो है कैसे अप्लाई कीजिएगा, ये सारा चीज़ भी आपको पूरे डिटेल में बताया गया है। तो आपको ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसका सारा टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।